प्रणाम अलैकुम दोस्तों। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस देश के चरित्र को बताने वाला ये नारा स्कूल की असेंबली से लेकर देश की संसद तक हर जगह लगता है, कुछ लोगों के न चाहने के बावजूद लगता है। इस बार के चुनाव के कुछ आंकड़ों से आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं जिनके कानों में ये नारा बहुत बुरी तरह से चुभता है। इन चुनाव में दो गठबंधन आमने सामने थे, एक था NDA और एक था इंडिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, नहीं हैरानी नहीं होगी, कि बीजेपी की अगुवाई वाले NDA गठबंधन के जो 292 सदस्य जीत कर आए हैं उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है, जबकि देश की 14% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। जबकि दूसरी ओर इंडिया से जीतने वाले 234 लोगों में से 8% मुसलमान है। NDA से जीते हुए 292 महानुभावों में से एक भी सिख नहीं है, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 0.25% यानी लगभग 2.25 करोड़ सिख हैं। दूसरी ओर इंडिया अलायंस के कुल 234 सांसदों में से 5% सिख चुनकर आए हैं। आगे सुनिए, NDA के 292 सांसदों में से ST यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीटों के अलावा एक भी ईसाई चुनकर नहीं आया है, जबकि दक्षिणी राज्यों में, गोवा में, महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में गैर ST ईसाइयों की तादाद 11 की जनगणना के हिसाब से भी 1 करोड़ से कम नहीं होगी। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नारे में से अब बचते हैं हिंदू। संसद में SC और ST की सीटें रिजर्व हैं, इसलिए उन्हें टिकट देना तो भाजपा और उसके अलायंस की मजबूरी थी, लेकिन बाकी जातियों में ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। इसीलिए NDA के कुल 292 में से 33.2% यानी 1/3 सांसद सवर्ण जातियों के हैं, जिनकी आबादी 10-12% से ज्यादा नहीं होगी। अब ये सही संख्या मालूम करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है, जो बीजेपी न चाह रही है न करवा रही है। जबकि दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने जनरल सीटों से भी दलित प्रत्याशी उतारे और जिताए भी। अयोध्या फैजाबाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां से दलित समुदाय के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उम्मीदवार को जबरदस्त पटखनी दी। ये अलग बात है कि अयोध्या की हार से कुछ लोग इतने तिलमिला गए हैं कि अब अयोध्या के हिंदुओं को भी गाली देने लगे हैं। बनारस के हिंदुओं को ये लोग इसलिए कोस रहे हैं क्योंकि उन्होंने ब्रांड मोदी का गुब्बारा फोड़ दिया है। वहां से मोदी जी की जीत का अंतर पिछली बार से 1/3 रह गया है। ये लोग भूल गए हैं कि अयोध्या के, काशी के और सभी जगह के हिंदू हिंदू हैं, भोंदू नहीं हैं। भारत के एक आम हिंदू को मालूम है कि सिर्फ हिंदू कहने से न तो नारा पूरा होगा, वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला नारा, और न ही ये देश पूरा होगा। जय हिंद, जय संविधान, जय लोकतंत्र।